आई थिंक वही इस प्रोफेशन का सबसे कमाल की चीज़ है कि आप चाहे सिग्नल पे खड़े हों तो आपको अचानक ही मिलता है, तो चाहे आपको नहीं जानता एक खुशी ले आते हैं आप उसके चेहरे पर। और इनफैक्ट जब बच्चों से भी मिलते हैं, जब आप फिल्म के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो प्रोफेशन में आप हैं वो सही में अच्छा प्रोफेशन है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मौके मिलने चाहिए जब हम लोग उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और कुछ ना कुछ सीख पाए उनसे हम लोग। लेकिन उनके चेहरे पर पता चलता है उस डिजीज का, उसके इंप्रेशन भी दिखते हैं, तो ये अजीब सी मिक्स फीलिंग है। आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जब आप बीमारी के बारे में सोचते हैं तो देन मुझे लगता है कि हम लोग उनसे शायद ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने एक ज़िंदगी के एक सफ़र से गुजरे हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स के, जैसे कि मैंने बोला कि इतने बावजूद इतने खुश हैं वो, तो आई थिंक वो हमें सिखाते हैं कि चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आए लेकिन मुस्कान हमेशा चेहरे पर बरकरार रहनी चाहिए। बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा फील्ड खाली पड़ा हुआ है, बच्चे हैं और गाँव के लोग, ये दो एरिया है जहाँ की मतलब कुछ हुआ नहीं है बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इस तरह के बच्चे जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो उनकी केयर कर सके। ये हालांकि वैसे तो नॉर्मल आदमी को भी अगर कहें तो ये डिजीज़ है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कभी तो मरना है उसको, हर सेकेंड उसकी उम्र खत्म हो रही है, बट इनकी प्री मेच्योरली खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि शूटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप इसके लिए समय निकाल सकें। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर को अगर आप बोलेंगे कि आप कैसे काम के लिए जाना चाहते हैं, तो कभी आपको मना नहीं करेगा। सो आई फील कि वो आपका काम है और ये आपका कर्तव्य है। हमारे यहाँ बच्चों की फिल्म बनने का कल्चर अभी शुरू नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बच्चों की फिल्में वैसे बनती नहीं हैं, बट दुनिया में इतनी फिल्में बन रही हैं कि उनको देखने के लिए कमी नहीं है। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि फिल्में मंगा सके बाहर से, तो बच्चे चाहे यहाँ की फिल्म हो चाहे बाहर की फिल्म हो, उनके लिए तो फिल्म फिल्म है। दे आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर, दे आइडेंटिफाई विद सम अदर थिंग्स। सो हमें इस पर डिपेंड रहना नहीं चाहिए कि हमारी ही फिल्में देखें, वो किसी की फिल्म देख सकते हैं, उनको वो बहुत वो बच्चे हैं, वो ज़्यादा फ्री है। आई फील कि समय है सिर्फ थिएटर्स तक, बाकी शूटिंग्स अभी भी हो रही हैं। हाँ, थोड़ी सी शूटिंग्स कम जरूर हुई हैं क्योंकि सो कॉल्ड रिसेशन है, बहुत प्रोजेक्ट्स पे वापस काम हो रहा है। सो आई फील बहुत अच्छी बात है, जब तक जब कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तभी फिल्में चलेंगी, तभी प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स कमाएंगे, और ये कभी ना कभी तो होना ही था, पर अभी हुआ है तो वाई नॉट। सब लोगों को दे शुड फास्टन द सीट बेल्ट्स और सही दायरों में प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, सो दैट फिल्में हमारी चल पाएँ और लोग वापस थिएटर्स में आ पाएँ। दूसरे वर्ग के साथ दूसरी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, दूसरी तरह की कंडीशनिंग होती है बच्चों पर। हम सबसे बड़ा जुर्म जो हम करते हैं वो उनको बार बार उनको एक सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। उनकी स्पिरिट जो है फ्री स्पिरिट होती है, उनको जितना हमारा काम जो हो सकता है उनको सिर्फ नर्चर करना हो सकता है, उनको किसी तरह से ठेल के एक दिशा दिखाना हो सकता है जो हम सोचते हैं सही है, बट बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी स्पिरिट को कभी ना किसी भी हालत में उनका स्पिरिट ख़त्म नहीं होना चाहिए। उनका जो एक फ्रीडम है उससे जो उनकी स्पिरिट होती है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए किसी भी। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.